हेलो एवरीवन, आज मैं भाखरी पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। और ये जो भाखरी पिज़्ज़ा है उसका बेस मैं गेहूं के आटे से बनाने वाली हूँ और इसमें ईस्ट या बेकिंग सोडा ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करने वाली हूँ। और ये बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 2 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ, उसमें से जो 1 कप है वो मैं लड्डू में जो यूज़ करते हैं वो वाला आटा ले रही हूँ और 1 कप नॉर्मल चपाटी का आटा ले रही हूँ। पर अगर आपके पास वो दरदरा आटा नहीं है तो आप 2 कप नॉर्मल चपाटी का आटा ले सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर आटा गूंथ लेंगे। आटा जो है वो हमें थोड़ा सा सख्त रखना है ताकि पिज़्ज़ा बेस है वो बहुत ही अच्छा बने। फिर उसे 10 मिनट तक ढककर रख देंगे। भाखरी का जो आटा होता है वो थोड़ा सा सख्त रहता है तो उसे ऐसे दबाकर लोई बनाएंगे। लोई तैयार हो गई है तो अब भाखरी बना लूँगी। और यहाँ पे मैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बेस बनाने वाली हूँ तो उसे ज़्यादा मोटा या पतला नहीं रखना है, मीडियम रखेंगे। यहाँ पे मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ तो मैं सबकी इक्वल साइज़ लगे इसीलिए ऐसे कट कर लूँगी। भाखरी तैयार हो गई है तो अब हम उसे सेक लेंगे। यहाँ पे भाखरी को लो से मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। भाखरी को हमें दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक ऐसे सेकना है। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है और इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। 1 टेबलस्पून जितना पिज़्ज़ा सॉस लेकर बेस पर ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड कर लेंगे। अब हम टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग में मैंने प्याज, कैप्सिकम, कॉर्न और ऑलिव लिया है। आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हो। 1 पैन में उसे ढक कर रख देंगे जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए तब तक। पिज़्ज़ा रेडी हो गए हैं तो अब हम उसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरेगानो स्प्रेड करेंगे और ये टोटली ऑप्शनल है। ये पिज़्ज़ा टेस्टी के साथ हेल्दी भी है तो आप ज़रूर ट्राई करना। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।